ਬੱਲੀਏ ਹੋ ਲੋਕੀ ਜੀਦੇ ਉੱਤੇ ओके तो अभी के टाइम में आपने इंस्टाग्राम पर कुछ इस टाइप रील जरूर से देखिए क्योंकि इस टाइम में बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। अगर आप भी कुछ इस टाइप रील को एड करके अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड करते हो तो काफी ज्यादा चांस बढ़ जाता है आपकी रील वायरल होने की क्योंकि कंटेंट अभी के टाइम में इंस्टाग्राम पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। तो आज की वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं कि आप कैसे इस टाइप रील को एड कर सकते हो एंड कैसे अपने रील को वायरल भी करा सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उस पर अगर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना ताकि आने वाले अगले ट्रेंड की वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके तो उसके लिए आपको एक ऐप की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है VN, जिसे आप बहुत ईजीली प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हो, आपको मिल जाएगा ठीक है। और जब आप इसे ओपन करोगे तो कुछ इस टाइप के इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। बस क्या करना है देखो, आप पे आइकन दिख रहा सबसे नीचे प्लस वाला था, क्लिक करेंगे और ऐसे न्यू प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन क्लिक कर देंगे ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, आपको जाना है फोटो वाला ऑप्शन पे, तो यहाँ पे जाएंगे और आप खास से अपने कोई एक फोटो चूज कर लेनी है ठीक है, जिसके आप रील वीडियो बनाना चाहते हो। तो बस फिलहाल मैं वाली फोटो चूज कर लूंगा, देन आपका एयर वाला ऑप्शन क्लिक कर देना, आपका दिख रहा होगा सबसे नीचे और यहाँ पे हमारे फोटो भी आ चुका है। तो वह सबसे पहले क्या करना है, आपको वीडियो को फ्रेम सेट करना है। तो उसके लिए आप यहाँ पे आइकन देख रहे हो सबसे ऊपर ओरिजिन वाला, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे 9:60 वाला रेस चूज करेंगे ठीक है, जो कि मैं इंस्टाग्राम रील के लिए करते हैं। एंड गाइस आपको लास्ट में क्वार्टर मार्क मिल जाता है तो आपको इस पर क्लिक करना है और इसे यहाँ से कर देंगे डिलीट ठीक है, क्योंकि इससे आपको कोई काम नहीं है। तो गाइस अभी क्या करना है देखो, आपको अपने फोटो पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और गाइस आपको यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ाकर 8 सेकंड तक कर लेना है ठीक है। मतलब आपको यहाँ पे इसकी लेंथ को 8 सेकंड तक कर लेना है, थोड़ा थोड़ा ऐसे बढ़ा लेंगे और जहाँ पे आपको लगे कि 8 सेकंड हो चुकी है तो आप यहाँ पे इस टाइप से रोक देना है। तो जैसे यहाँ पे 8 सेकंड हो चुका है ठीक है, 8 सेकंड से आप थोड़ा ज्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन क्या करना है आपको पहले अपनी गैलरी में सेव कर लेनी है ठीक है, उसके बाद हम यहाँ सेटिंग शुरू करते हैं। तो उसके लिए क्या करना है आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन क्लिक कर देना है और ऐसे रेड वाला ऑप्शन क्लिक कर देंगे ठीक है। तो पहले आपको अपनी गैलरी में सेव कर लेनी है। ओके तो गाइस यहाँ पे हो चुका है गैलरी में सेव, देन आपको यहाँ से बैक कर देना है, तो ऐसे कर देंगे इसे बैक और आपको यहाँ पे आइकन दिख रहा होगा प्लस वाला ठीक है, बड़ा वाला, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से वीडियो एंड फोटो वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। और गाइस अभी जो हमने यहाँ से वीडियो को सेव किया था उस पर क्लिक करेंगे और इस ऐसे करेंगे ऐड ठीक है, और ऐसे एयर वाला ऑप्शन क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रोसेसिंग होती है तो उसका आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो और यहाँ पे हमारे वीडियो भी आ चुके हैं। तो वैसे देखो क्या करना है, आपको यहाँ पे शुरू में जाना है और आपका यहाँ पे फोटो पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपका यहाँ पे इसे डिलीट कर देना है क्योंकि यहाँ पे हमारे वीडियो आ चुके हैं। तो वैसे अभी क्या करना है, आपको यहाँ पे एक म्यूजिक ऐड करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे आइकन दिख रहा होगा प्लस वाला, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे म्यूजिक वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे ठीक है। और वैसे आपको यहाँ पे एक आइकन दिख रहा होगा बिल्कुल छोटा सा प्लस वाला, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन क्लिक कर देंगे एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो पे, तो आप इस टाइप से क्लिक करेंगे। बहुत सिंपल है यार, एंड आपको यहाँ पे एक वीडियो मिलेगी ये वाले, तो उस पर क्लिक करेंगे और सर्च करेंगे चूज ठीक है। और वैसे ये वाली वीडियो आपको डाउनलोड कहाँ से करना है मैं आपका पे वीडियो में आगे बता दूंगा। देन आपका पे ओके वाला ऑप्शन क्लिक कर देना, तो उसका जो साउंड होगा यहाँ पे निकल के आ जाएगा और यहाँ पे आ चुका है सबसे ऊपर, तो आपको इस पर क्लिक करना है और इसे करेंगे चूज ठीक है, और यहाँ पे राइट वाला ऑप्शन क्लिक कर देंगे। आपको लास्ट में जाना है और आपको यहाँ पे ये देखना कि आपका म्यूजिक कहाँ पर खत्म हो रहा है, तो जिससे यहाँ पे खत्म हो रहा है आप यहाँ पे देख सकते हो ठीक है। तो इस क्या करना है, आपका पे आइकन देख रहा होगा स्प्लिट वाला, तो आप इस टाइप से क्लिक कर देंगे तो आपकी वीडियो को दो पार्ट हो जाएंगे और आपको इस वाले पार्ट पे क्लिक करना है और इस पे डिलीट कर देंगे ठीक है, क्योंकि इसका पे कोई काम नहीं है। तो बस अभी क्या करना है देखो, आपको अपने म्यूजिक में बीट लगानी है, तो देखो वो कैसे कर सकता है, तो उसके लिए क्या करना है आपको अपने म्यूजिक पे क्लिक करना है, तो आप क्लिक करेंगे और आपका पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा बीट वाला ठीक है, तो आप इस टाइप से क्लिक कर देंगे। तो बस देखो आपका पे पूरी 18 बीट लगानी है ठीक है, पूरी 18 बीट, और आपका भी बीट किस किस टाइम लगाने हो मैं आपका वीडियो में आगे बता दूंगा ठीक है। तो जो सबसे मेन काम पहले ऐसे वो कर लेते हैं, तो पहले आपका राइट वाला ऑप्शन क्लिक कर देना है ठीक है। तो क्या करना है देखो, पहले आपका पे इसे थोड़ा जूम कर लेना है ठीक है, अपने दोनों फिंगर से, एंड आपका पे अपने पहले वाले वीडियो पे क्लिक करना है, तो आप क्लिक करेंगे और आपका पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा सबसे नीचे स्प्लिट वाला ठीक है, तो आप इस टाइप से क्लिक कर देंगे। तो वैसे आपका पे सेम ये करना है, आपको अपने वीडियो पे क्लिक करना है इस टाइप से और आपका पे इस टाइप से स्प्लिट कर लेना है ठीक है। तो आपका पे सेम ये करना है आपको लास्ट तक, आपको अपने वीडियो पे क्लिक करना है और आपका पे इस टाइप से स्प्लिट कर लेना है। तो वैसे मैं ऐसे फटाक से स्प्लिट कर लूंगा ठीक है। ओके तो वैसे ऐसे स्प्लिट हो चुका है। तो देखो अभी क्या करना है, जो सबसे मेन काम है आपका यहाँ पे इफेक्ट लगाना है। एंड गाइस देखो आपका यहाँ पे इफेक्ट कौन कौन से लगाने, वो सबसे मेन चीज होती है ठीक है, तो वो बिल्कुल ध्यान से देखना एंड आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो बस क्या करना है देखो, आपको अपने सबसे पहले वाले फोटो पे आना है ठीक है, और आप इसे थोड़ा सा और जूम भी कर सकते हो, तो फिलहाल यहाँ से इतना ही होगा। तो क्या करना है आपको अपने पहले वाले फोटो पे क्लिक करना है ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और वैसे आपको यहाँ पे साइड में जाना है एंड आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा मिरर वाला, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ ये वाला ठीक है। तो आपको इस पर क्लिक करना है, तो आप इस टाइप से क्लिक कर देंगे ठीक है, तो जो आपके फोटो की यहाँ पे दूसरी साइड घूम जाएगी। और क्या करना है आपको अपने फोटो पे क्लिक करना है ठीक है, पहले वाले पे ही, और वैसे आपको यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेना है, तो आप इसे इतना जूम कर लेंगे ठीक है। देन आपको पे अपने अगले वाले फोटो पे जाना है ठीक है, तो यहाँ पे जाएंगे और वैसे आपको यहाँ पे इसको यूं ही छोड़ देना है ठीक है, इसमें आपको यहाँ पे कुछ भी करना है। और फिर इससे अगले वाले पे जाएंगे और गाइस आपको यहाँ पे फिर से इसे मिरर कर देना है ठीक है, और इसे भी यहाँ पे थोड़ा सा इस टाइप से जूम कर लेंगे क्लिक करके, यहाँ पे से इतना कर लेंगे ठीक है। फिर आपको अपने चौथे वाले फोटो पे जाना है, तो यहाँ पे आएंगे और फोटो पे क्लिक करेंगे और गाइस आपको यहाँ से इसको फ्लिप कर देना है ठीक है, फ्लिप। तो यहाँ पे आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपकी फोटो यहाँ पे उल्टी हो जाएगी, और आपको अपने फोटो पे क्लिक करना है और इस पे थोड़ा इस टाइप से जूम कर लेंगे ठीक है। फिर आपको इससे अगले वाले फोटो पे जाना है, आपको इसको यूं ही छोड़ देना है ठीक है, जिसके हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में छोड़ा था बीच वाला,
और फिर आपको इसी अगले वाले पे जाना है और इसे भी आपको फ्लिप कर देना है और इसे यहाँ पे थोड़ा सा इस टाइप से जूम कर लेंगे, ठीक है, फोटो पे क्लिक करके तो आप इस टाइप से जूम कर लेंगे। तो यहाँ पे आपके 6 फोटो का काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और कैसे देखो आपका पे 7, 8, 9, 10 और 11, ठीक है, मतलब आगे के आपका पे जो 5 फोटो है इनमें आपका पे व्हाइट वाला इफेक्ट लगाना है, ठीक है, व्हाइट वाला। तो कैसे कर सकते हो आप, तो उसके लिए क्या करना है, आपको अपने नेक्स्ट वाले फोटो पे जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे 7वें वाले फोटो पे, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, फोटो पे क्लिक करेंगे और कैसे आपको यहाँ पे साइड में जाना है और आपका पे एक ऑप्शन दिखेगा एफएक्स वाला, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप से क्लिक करेंगे और कैसे आपका से व्हाइट वाला चूज कर लेना है, ठीक है, व्हाइट वाला। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपने पूरे फोटो पे अप्लाई कर देंगे और रेड वाला ऑप्शन क्लिक कर देंगे। तो इस आपको यहाँ पे सेम ही करना है 7, 8, 9, 10 और 11, ठीक है, मतलब आपको वहाँ पे अपने 5 फोटो में व्हाइट वाला इफेक्ट ही लगाना है। तो जैसे नेक्स्ट वाले फोटो पे जाएंगे और यहाँ पे एफएक्स पे क्लिक करेंगे एंड आपका से फिर से व्हाइट वाला चूज कर लेना है, ठीक है। तो बस आपको यहाँ पे अपने अगले वाले 5 फोटो में व्हाइट वाला चूज कर लेना है। तो मैं इसे फटाक से इफेक्ट लगा लूंगा। तो इस पे हमारे 5 फोटो में व्हाइट वाले इफेक्ट लग चुका है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपका पे सेम ऐसे ही करना है। दरअसल आपका यहाँ पे अपने जाना है 12वीं वाले फोटो पे, ठीक है। तो जैसे यहाँ से 12वीं वाले फोटो है तो इस पे क्लिक करेंगे, फोटो पे क्लिक करेंगे और आपका से फिर से एफएक्स वाला ऑप्शन में जाना है। इनकेस आपका इसमें जिटर डाउन लगाना है, ठीक है, जिटर डाउन जैसे ये वाला, ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से पूरे फोटो पे अप्लाई कर देंगे और रेड वाला ऑप्शन क्लिक कर देंगे। फिर आपको अपनी 13वीं वाले फोटो पे जाना है तो इस पे क्लिक करेंगे और इसमें आपको एनिमेशन ऐड करना है, ठीक है, एफएक्स नहीं करना है, आपको एनिमेशन ऐड करना है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको साइड में जाना है सबसे नीचे और आपका यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है जूम वाला, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट से क्लिक कर देंगे और इसमें आपको जूम इन चूज कर लेना है, ठीक है, यहाँ पे चूज कर लेंगे और ऐसे रेड वाला ऑप्शन क्लिक कर देंगे और फिर आपको इससे अगले वाले फोटो पे जाना है, ठीक है। तो इस आपको यहाँ पे अपनी 14वीं वाले फोटो को इसको यूं ही छोड़ देना है, ठीक है, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको इसको यूं ही छोड़ देना है। फिर आपको अपनी 15वीं वाली फोटो पे जाना है तो इस पे क्लिक करेंगे, फोटो पे क्लिक करेंगे और यहाँ जाएंगे फिर से जूम वाला ऑप्शन पे और आपको इसमें फिर से जूम इन चूज कर लेना है, ठीक है, और यहाँ पर रेड वाला ऑप्शन क्लिक कर देंगे। फिर आपको यहाँ से अपने 16वीं वाले फोटो पे जाना है और आपको इसको यूं ही छोड़ देना है और यहाँ जाएंगे फिर 17वीं वाली फोटो पे, फोटो पे क्लिक करेंगे और यहाँ जूम वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे और आपको इसमें फिर से जूम इन चूज कर लेना है, ठीक है, और यहाँ से फिर जाएंगे आपको अगले वाली फोटो पे जाना है और आपको इसको यूं ही छोड़ देना है और यहाँ से जाएंगे फिर अपनी लास्ट वाली फोटो पे और जूम वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे और आपका से फिर से जूम इन चूज कर लेना है, ठीक है, मतलब आपको यहाँ पे अपनी एक फोटो को छोड़ के दूसरी फोटो को आपको यहाँ पे जूम इन कर देना है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे इतना काम भी कंप्लीट हो चुका है। एंड आपको बिल्कुल शुरू में आना है, ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे और आपको यहाँ से अपनी 12वीं वाले फोटो पे जाना है, ठीक है, 12वीं वाले पे। तो जिस तरह पहली फोटो है, ये दूसरी फोटो है, ये तीसरी फोटो है, चौथी, पांचवी, छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और यहाँ पे 12वीं, ठीक है। तो बस आपको यहाँ पे अपनी 12वीं वाले फोटो के आइकन पे क्लिक करना, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्लस वाला, ठीक है, 12वीं वाले के। तो बस यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, एंड आपको यहाँ पे व्हाइट वाला चूज कर लेना है, ठीक है, व्हाइट वाला यहाँ पे चूज करेंगे और यहाँ पर रेड वाला ऑप्शन क्लिक कर देंगे। फिर आपको इससे अगले वाले पे जाना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसमें आपको ब्लैक वाला चूज कर लेना है, ठीक है, ब्लैक वाला और यहाँ पर रेड वाला ऑप्शन क्लिक कर देंगे। फिर आपको इससे अगले वाले पे जाना है, ठीक है, यहाँ पे जाएंगे और आपको इसमें फिर से व्हाइट वाला चूज कर लेना है, व्हाइट वाला चूज करेंगे और राइट वाला ऑप्शन क्लिक कर देंगे। फिर आपको इससे अगले वाले पे जाना है और इसमें आपको ब्लैक वाला चूज कर लेना है, ठीक है, पहले आपको यहाँ पे व्हाइट करना है, फिर ब्लैक करना है, फिर व्हाइट करना है, फिर ब्लैक करना है। तो जैसे अभी हमने इसे ब्लैक वाला चूज किया था तो इससे अगले वाले पे जाएंगे और इसमें आपको व्हाइट वाला चूज कर लेना है, ठीक है, और यहाँ पर रेड वाला ऑप्शन क्लिक कर देंगे। फिर इससे अगले वाले पे जाएंगे और इसमें ब्लैक वाला चूज करेंगे, रेड वाला ऑप्शन क्लिक कर देंगे। फिर इससे अगले वाले पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और इसमें आपको यहाँ पे व्हाइट वाला चूज कर लेना है, ठीक है, और ऐसे रेड वाला ऑप्शन क्लिक कर देंगे। तो वैसे देखो आपको यहाँ पे सेम ऐसे ऐसे करना है जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है, और मैंने पूरी कोशिश करी आपको बहुत अच्छी तरीके से बताने की। तो वैसे यहाँ पे वीडियो बनकर रेडी हो चुकी है एंड अभी इसको चला के देखते देखते कैसी बनी है। और वैसे देखो यहाँ पे मैंने जितनी बीट लगाई है तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगी पहली बीट कहाँ पर है, दूसरी बीट कहाँ पर है, तीसरी बीट कहाँ पर है और चौथी बीट कहाँ पर है, ठीक है। तो वैसे आप इसका एक स्क्रीन शॉट लेके भी रख सकते हो और जब आप इनको रिलेट करोगे तो आप इसमें दे दीजिए अपनी रील को बहुत ही रिलेट कर सकते हो। तो ऐसे वीडियो को स्टार्ट करके देखते हैं। ओके, तो आप अभी देख सकते हैं वीडियो बहुत अच्छी तरीके से बनकर रेडी हो चुका है। 1 लाख तो बनता है सर, कर दो फटाक से, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो अभी क्या करना है, आपको अपनी गैलरी में सेव ही करनी है। तो उसके लिए आपको आप एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन क्लिक कर देना है और यहाँ पर ऐड वाला ऑप्शन क्लिक कर देंगे तो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। एंड देखो यहाँ पे मैंने जो म्यूजिक वाली वीडियो का यूज किया था तो गाइस उसे हमारे टेलीग्राम से बहुत ईजिली जाकर डाउनलोड कर सकते हो और लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो गाइस अगर वीडियो चलते वीडियो को लाइक जो करना एंड अगर चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना ताकि आने वाले अगले ट्रेंड की वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और ये राइट वाली वीडियो जरूर से देखना क्योंकि इस टाइम बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। तो जल्द से इस पर क्लिक कर जल्द से देखो।